चलिए दोस्तों, मैथ का अगला हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। वो टॉपिक है क्या क्या चीज़ आपके पास में। देखिए, क्वाड्रेटिक समीकरण हमने, यानी आपके पास द्विघात समीकरण हमने डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ठीक है। आपके पास में तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए लोगों के पास। जितना ज़्यादा आप जोड़ सकते हैं उतना जोड़ लीजिए। आप बच्चों को जितना ज़्यादा शेयर करके जोड़ सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों के पास और कहिए जुड़े उनसे, ठीक है। आपके पास में आगे बढ़ते हैं। जॉन और जीवांती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं, ठीक है। हम चौथा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जॉन और जीवांती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। दोनों पांच पांच कंचे खो देते हैं। जॉन और जीवांती के पास दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं और दोनों पांच पांच कंचे खो देते हैं। यानी 45 मिलाकर के कुल है, जो भी होंगे उनमें से पांच पांच कंचे उनके खो गए। कह रहा अब उनके पास कंचों की संख्या का, यानी जो कंचे बचे हुए हैं उनके पास पांच पांच खोने के बाद जो कंचे बचे हुए हैं, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है आपके पास में, ठीक है। आपके पास कह रहा है कि गुणनफल क्या है, 124 है। तो कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे हैं। आपके पास हम ये जानना चाहते हैं कि शुरुआत में उनके पास कितने कंचे हैं। हमको पता है कि शुरुआत में उनके पास जो भी कंचे हैं दोनों का योग, दोनों को मिला करके कितना है, 45 है। तो एक को हम मान लेते हैं, दोनों का योग 45 है। अगर हम एक संख्या पता चल जाए तो दूसरी संख्या बेटा मालूम चल पड़ जाती है हमारे पास। जैसे हम मान लेते हैं जॉन के पास क्या है, ठीक है। आपके पास एक एग्जाम्पल है, माना जॉन के पास कंचे की संख्या बराबर एक्स है, तो जीवांती के पास कितनी हो जाएगी, जीवांती के पास अगर जॉन के पास एक्स है कुल मिलाकर के 45, दोनों के कंचों की संख्या कितनी, 45 है। तो अगर आपके पास में जॉन के पास एक्स कंचे हैं तो 45 में से एक जॉन वाले हटा दीजिए, तो 45 में से जॉन वाले हटा देंगे तो बचेंगे कितने, जो बचेगा वो जीवांती के कंचे हो जाएंगे। तो 45 माइनस एक्स जो है वो जीवांती के कंचे हैं आपके पास में। अब प्रश्न के अनुसार हमारे पास में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हमसे कहा जा रहा है कि दोनों ही पांच पांच कंचे खो देते हैं, ठीक है। ठीक है, पांच पांच कंचे खोने के बाद होने पर जॉन के पास कितने बचेंगे, जॉन के पास अगर एक्स थे तो पांच खो गए तो एक्स माइनस पांच बचे, जीवांती के पास कितने बचे, जीवांती के पास भी पांच खो गए, तो पांच अगर खो दोगे तो पांच जो कंचे थे इसमें से पांच हटा दीजिए, पांच हटा देंगे तो 45 माइनस एक्स माइनस पांच तो 40 माइनस एक्स बचेगा बेटा, ठीक है। जैसे 45 माइनस एक्स माइनस पांच करोगे तो 45 में से पांच जाएगा तो 40 बचेगा, 40 माइनस एक्स बचेगा कंचो, ये जीवांती के पास है। कह रहा है कि इनके गुणनफल जो बचे हुए कंचे उनके पास, जो बचे हुए कंचे हैं उनका गुणनफल कितना आपके पास, 124 आपके पास, ठीक है। प्रश्न के अनुसार कंचों का गुणनफल, यानी जॉन के कंचे और जीवांती के जो कंचे हैं इनका जो गुणनफल है वो क्या है, 124 किया हमने। 40x बेटा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस माइनस प्लस का 5x 124। माइनस एक्स स्क्वायर है तो सब संख्या को उधर लेके चले जाओ, सब संख्या को उधर लेके चले जाओगे तो इधर जीरो बचेगा, तो जीरो चाहे इधर लगाओ फिर चाहे इक्वल टू करके उधर लगाओ तो हमको बचेंगे एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, ठीक है। 40x 5x 45x 45x धनात्मक में उधर जाएगा, माइनस का 45x बचेगा, ठीक है। उसके बाद 200 उधर जाएगा प्लस का 200, यानी प्लस का 324 है। अब इक्वल टू करके चाहे इधर जीरो लगाओ चाहे इक्वल टू करके उधर जीरो लगाओ, बात वही है आपके पास में। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए। अब गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड क्या मिलेगा आपके पास में,
9 और 36 का गुणनखंड है। इसका गुणनखंड क्या है? 9 और 36, 9 और 36 को योग करोगे 45 मिलेगा। 9 और 36 अभाज्य गुणनखंड करके आप कर लीजिए आप, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करिए आप, 9 आपके पास 324 का, उससे आप निकालते चले जाइए तो 9 और 36 का योग बनेगा जिसका 45 है और इसका गुणा भी 324 मिलेगा, प्लस 224 बराबर 0। अब हमको इसको एक्स स्क्वायर माइनस 9x इधर से जाएगा उधर से x आएगा, अंदर चिन्ह जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह, माइनस का 36x, 324 बराबर 0। ये पेयर बना लिए, इसमें पेयर बनाना जरूरी है आपके पास में। x कॉमन लिए बेटा, अंदर बच गया, इसके साथ x छूटेगा, इसके साथ 9 छूटेगा, इससे 36 कॉमन लेते हैं तो इसके साथ x छूटेगा, इसके साथ 9 छूटेगा, बराबर का 0। चलिए अब हम जानते हैं कि यहां पास क्या मिल गया हमारे पास में, x माइनस 9 दोनों से कॉमन, x माइनस 9 दोनों से कॉमन आया, तो बचा क्या, यहां पास x बचा, यहां पास 36 बचा, बराबर 0। तो x की वैल्यू एक बार 9 आ रही है और एक बार x की वैल्यू आ रही है 36। इसका मतलब अगर जॉन के पास 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास 36 कंचे होंगे, या फिर जॉन के पास, जॉन की संख्या क्या x है, या जॉन की संख्या अगर 36 होगी तो जीवंती के पास 9 होगी। इसका मतलब एक के पास 9 कंचे हैं और एक के पास 36 कंचे हैं, ठीक है। तो आपके पास में जॉन और जीवंती के पास जो कंचे हैं जीवंती के पास कंचे जो हैं 9 और 36 हैं आपके पास। इस प्रकार से सवाल हल हुआ आपके पास में। पॉज द वीडियो और नोट डाउन पता, फटाफट करिए, नोट करिए इसको। चलिए दोस्तों, ये आपके पास में जो एग्जांपल था उसका सेकंड वाला क्वेश्चन आपके पास में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आगे भी आपको हल करने के लिए मिलेगा, मैं इसलिए यहाँ पास हल करवा दे रहा हूँ आपके पास में। एक कुटीर उद्योग, एक इंडस्ट्रीज है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, हमें नहीं पता कितने करता है लेकिन कुछ करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में कहा गया है, प्रत्येक यानी हर एक खिलौने का जो मूल्य है 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब कह रहा एक जो है, एक आपके पास खिलौने का जो मूल्य है वो मूल्य कितना है, उस दिन आपके पास में जो संख्या निर्मित हुई है खिलौनों को, उसकी संख्या को 55 में से घटा देंगे तो हमें मूल्य पता चल जाएगा। कह रहा है कि 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या, यानी उस दिन जो खिलौने निर्मित हैं उसको 55 में से घटा देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या जो है वो मूल्य के बराबर आपके पास में, ठीक है। फिर कह रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत यानी कुल पैसा जो बनाने में लगा खिलौनों को, वो 750 रुपए लगा, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं और एक आपके पास में एक खिलौने को बनाने में कितना पैसा लगा वो भी चाहिए हमको, ठीक है। तो मान लेते हैं माना एक दिन बने खिलौने की संख्या, वो संख्या कितनी है बेटा, x है, ठीक है। एक खिलौने का मूल, प्रत्येक मतलब एक खिलौने, प्रत्येक का मतलब होता है जितने भी खिलौने उन सब का मूल, ठीक है। तो हम एक की बात, एक खिलौने का मूल कितना है रुपए, उस दिन जो खिलौने बन रहे हैं उसको 55 में से हटा देंगे तो मूल्य के बराबर हो जाएगा, ये एक खिलौने का मूल हो गया। अब कह रहा है कि जो खिलौने बने हैं किसी दिन, वो खिलौने का जो कुल लागत है वो कितना है, 750 है। तो मान लेते हैं x खिलौने बने हैं, एक खिलौने का मूल इतना है तो कुल लागत कितना हो जाए, इतना बनाने में कुल लागत कितना है, 750। तुमको पता है कि खिलौनों की संख्या गुणे एक खिलौने का जो दाम है, मूल है, उसको
अगर हम कर देंगे मल्टीप्लाई तो हमें कुल लागत पता चल जाएगी बेटा, एक खिलौने का मूल्य गुणे कुल खिलौने, मतलब कुल लागत आपके पास। एक का मूल्य पता है यानी एक साबुन का दाम 5 रुपए, तो 10 साबुन का दाम 10 रुपए, आपके पास में 50 रुपए होगा आपके पास में। तो उसी तरीके से यहाँ पास एक खिलौने का मूल्य इतना है तो एक्स खिलौने का मूल्य कितना होगा, इतना होगा आपके पास, ठीक है। तो एक्स 55 - x गुणे हुआ आपके पास -x² बेटा 750, ये हो गया हमारे पास में। अब हम इसको अगर करते हैं तो क्या वैल्यू मिलती है हमारे पास में, इसको उधर लेके जाओ तो क्या मिलता है आपके पास में, x² - 55x + 750 = 0। अब इसको अगर गुणनखंड करें तो इसका गुणनखंड जो आ रहा है आपके पास में 30 + 25 आ रहा है बेटा, 25 × 75 होता है भैया, 25 × 75 होता है आपके पास में, ठीक है। तो यह होगा आपके पास x² - 30x - 25x + 750 = 0। ये कॉमन लिया हमने तो x कॉमन आ गया, x - 30 और यहां से 25 कॉमन लिया, माइनस भी साथ रहा है तो माइनस अंदर वाले चिन्ह को बदल देगा बेटा। तो x - 30 और x - 25, इसका मतलब आपके पास x की वैल्यू जो आई आपके पास में, x की वैल्यू आई एक बार 25 और x की वैल्यू आई एक बार 30, यानी एक दिन अगर देखे तो खिलौने या तो 25 बन रहे हैं या तो 30 बन रहे हैं, ठीक है। आपके पास में एक दिन बने खिलौनों की संख्या बने खिलौनों की संख्या संख्या कितनी हो सकती है भाई, 25, ठीक है, या फिर 30, ठीक है आपके पास में। अब प्रत्येक खिलौने का जो मूल है ये भी पूछा जा सकता है, प्रत्येक खिलौने का मूल क्या है। अगर एक खिलौने का खिलौने जो है आपके पास 25 बन रहे हैं, यदि 25 क्योंकि खिलौनों की संख्या से मूल निर्धारण है, अगर खिलौने 25 बन रहे हैं तो एक खिलौने का मूल कितना हो जाएगा, 30 रुपए, ठीक है। या फिर अगर खिलौने 30 बन रहे हैं तो मूल कितना हो जाएगा आपके पास में, 25 रुपए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में हमने मूल्य भी निकाल लिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, पॉज द वीडियो, नोट डाउन बेटा, ये एग्जांपल दोनों हो गए आपके पास में। चलिए बेटा अब हम आ गए प्रश्नावली में, ठीक है। क्या है हमारे पास प्रश्नावली, कह रहा है एक आयताकार भूखंड का प्रश्नावली, हम पहला क्वेश्चन कर चुके थे 4.1 का पहला क्वेश्चन कर चुके हैं पहले ही लेक्चर में, हम दूसरा करने जा रहे हैं। दूसरा क्या हमारा, उसमें एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कैसा है, भूखंड कैसा आयताकार, यानी आपको जिस फिगर के बारे में बात करें, जिस भी चित्र के बारे में बात करें कि भैया ये फील्ड इस तरीके के है, तो हम उसको उसी का तरीके का फिगर मान लेते हैं, यानी भूखंड हमारा कैसा आयताकार है, आयत के रूप में, ठीक है आपके पास में। उसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल कितना है 528 m², क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से क्या है, 1 अधिक है आपके पास, समझिएगा, ठीक है। क्षेत्र जो आपके पास में, क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र की लंबाई यानी भूखंड की लंबाई, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी लंबाई की बात हो रही है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुने से अधिक है, तो आप क्या करेंगे, आप किसको मानेंगे, तो ध्यान देखिएगा, जिसकी बात कह रहा है उसे आप नहीं मानेंगे, जिसकी लंबाई की बात हो रही है लंबाई को नहीं मानेंगे, तो उसके जिसकी बात हो रही है लंबाई को नहीं मानेंगे, तो लंबाई के अलावा जो जिस पर बात हो रही है उसको मानेंगे, यानी चौड़ाई पर बात हो रही है, लंबाई की बात हो रही है चौड़ाई के अकॉर्डिंग, लंबाई की बात हो रही है किसके अनुसार, चौड़ाई के अनुसार बात हो रही है, तो जिसके अनुसार बात होगी, जिसके अनुसार बात हो गई उसको हम मानेंगे। तो चौड़ाई क्या मान ली हमने, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर एक्स मीटर, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी बेटा आपके पास में अगर देखा जाए तो लंबाई हो जाएगी चौड़ाई की 2 गुने से 1 अधिक है, तो चौड़ाई क्या, एक्स,
तो 2x+1 दो गुने से एक अधिक है, यूनिट जरूर रखिएगा, यूनिट नहीं रखेंगे तो नंबर कट जाएगा आपके पास, ठीक है। चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है, तो हमने दो गुने से एक अधिक कर दिया तो लंबाई हमको पता चल गया। अब कह रहा है कि चौड़ाई पता चल गई, लंबाई पता चल गई, दोनों पता चल गया, तो कह रहा है भूखंड का क्षेत्रफल 528 है। तो प्रश्न के अनुसार जो होता है क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो आपके पास में एक्स गुणे 2x+1 बराबर 528, तो 2x² + x 528 इधर को ले लीजिए बराबर 0, ये आपके पास बन गया क्वाड्रेटिक आपके पास में। अब इसको क्या करिए, इसको इधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का तरीका मालूम है, आप करती है, चलिए कर लिया होगा आपने, ठीक है। मैं नहीं किया तो आप समझिए इस बात को, मैंने आपको क्या सिखाया था, इसका गुणा कर दिया, इसका गुणा कितना आपके पास में, आप गुणा करेंगे आपके पास 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4 = 5, 2 × 5 = 6 = 10, इसको जब गुणा करेंगे इसका गुणनखंड करेंगे, 2 आपके पास 528, 2 आपके पास 200, आपके पास में 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 3, 2 आपके पास में, फिर 2 = 66, फिर आपके पास में 2 = 33, फिर आपके पास 3 से फिर 11 बचेगा आपके पास में। इस तरीके से करोगे तो आप समझ जाइए, इस सब 2 का मल्टीप्लाई करोगे 32 और 11 और 3 33, 32 33, 32 में से 33 आपके घटाओगे तो क्या मिलेगा, एक आपके पास 1 मिल जाएगा, तो 1 मिल जाएगा, तो आप इसको यहाँ पास रख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, x² + आप क्या करेंगे, 33 में से आपने क्या घटाया, 32 घटा दिया, ये मिलेगा बराबर का 0 आपके पास में, 33 में से आपने 32 घटा दिया तो ये मिल जाएगा आपके पास में, तो वैल्यू मिल जाएगा पास में। अब देखिए यहां से कुछ कॉमन नहीं आएगा आपके पास में, तो x कॉमन लिया, ठीक है, आपको कुछ कॉमन नहीं आया तो x कॉमन लिया, तो 2 x और प्लस का 33, यहां से आपका क्या कॉमन आएगा, यहां से 16 कॉमन आएगा, तो बचेगा 2x - +33 बराबर का 0, तो 2x 33 कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, x - 16 = 0, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई, इसको 0 करोगे तो -33/2, और एक बार x की वैल्यू इसको 0 करने पर तो x की वैल्यू आएगी 16, ये वैल्यू नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, -33/2 क्योंकि लंबाई चौड़ाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो x बराबर 16 हो गया, यानी आपके पास में चौड़ाई जो हो गई, चौड़ाई हो गई 16 मीटर, लंबाई जो हो गई बेटा 16 × 32 + 1 = 33 मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा, पॉज द वीडियो नोट डाउन, फटाफट करिए नोट। चलिए अगला सवाल हमारे पास ये है, ये ठीक है, ये एक्सरसाइज कर, सेकंड का सेकंड सवाल आपके पास में, तो सेकंड का सेकंड सवाल क्या कहता है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है आपके पास में, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, तो पूर्णांक कैसे ज्ञात करेंगे, धनात्मक क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, यानी आपके पास जैसे 4 है, 5 है, 6 है, 4 के बाद 5 आया कैसे मिला, 4 + 1, 5 के बाद 6 आया कैसे मिला, 5 + x, यानी आपके पास क्रमागत संख्या ज्ञात करेंगे, तो एक संख्या कुछ मान लीजिए तो अगली संख्या 1 ज्यादा कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्रमागत की संख्या, तो मान लेते हैं हम, माना क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत जो पूर्णांक है वो 1x है, तो इससे आपके पास 1 ज्यादा मिलेगा, 1 ज्यादा मतलब x + 1 मिलेगा। अब कह रहा है कि इनका जो गुणनफल है, प्रश्न के अनुसार इनका जो गुणनफल है यानी x + 1 का गुणनफल है 306। अब हमने इसको गुणा किया, इसको इधर ले आए बराबर 0, इसी तरीके से आप इसका भी फिर से गुणनखंड करिए, गुणनखंड करेंगे आप, गुणनखंड करिए, फटाफट करिए बेटा, 360 टाइम दे रहा हूं आपके पास में, 306 2 5 और फिर 2 2 7 6 2 3 8 2 आगे की तरफ
19, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपके पास में, 16 में से 19 नहीं जाएगा, फिर से चेक करिए, 1, 5 और यहां, सॉरी यहां गलती हो गई बेटा, यहां गलती हो गई, यहां 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 आएगा 1, 5 और 3, ठीक है। फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे, 5 और 1, फिर 3 से डिवाइड करेंगे आप, फिर 17, ठीक है। आप 17 से डिवाइड होगा, ये 1 बचेगा, तो इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे, तो आपको दिख रहा है इन दोनों तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा आपके पास में, 18, 18 में से 17 गया, 1 बनेगा आपके पास में, इसका मतलब एक्स स्क्वायर 18 में से 17 जाएगा, तो 18 में से प्लस 18x माइनस का 17x, यानी इसके अंदर लिख सकते हैं माइनस का 306 बराबर का 0, इन दोनों से कुछ कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन आया इन दोनों से, तो एक्स प्लस 18 माइनस 17 कॉमन आया, अंदर क्या बचा, एक्स प्लस 18 बराबर 0, जैसे माइनस बाहर लोगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा आपके पास में, तो एक्स प्लस 18 लिया, एक्स माइनस 17 लिया बराबर 0, तो एक्स की वैल्यू आई माइनस का 18 बेटा, और एक बार एक्स की वैल्यू आई प्लस का 17, ये नहीं ले सकते माइनस का 18, क्यों, क्योंकि क्रमगत पूर्णांक कौन सा है, धनात्मक है, और धनात्मक पूर्णांक के तो ऋणात्मक नहीं ले सकते हैं, तो आपके पास में धनात्मक पूर्णांक क्या हो गए, अगर एक 17 है तो दूसरा एक ज्यादा कर लीजिए, दूसरा आपके पास में 18 हो जाएगा, इस तरीके से ये सवाल हो गया बेटा, पॉज द वीडियो, नोट डाउन फटाफट करिए, चलिए अगला सवाल हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये तीसरा भाग, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की मां बड़ी है 26 वर्ष, ठीक है, रोहन की मां किससे बड़ी है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है आपके पास, ठीक है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद उनकी आयु का जो गुणनफल है वो 360 हो जाएगी, मतलब 3 साल बाद हो जाएगी गुणनफल, 3 साल बाद 360 का होगा, ठीक है। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो रोहन की वर्तमान आयु क्या है, रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु माना x वर्ष, मां की कितनी हो जाएगी, ठीक है, मां की आयु कितनी हो जाएगी आपके पास में, वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, मां जो है रोहन से 26 साल बड़ी है, रोहन से 26 साल बड़ी है, तो रोहन से 26 साल है, रोहन की आयु है x और 26 साल बड़ा कर दीजिए आप, मां की आयु आ गई x प्लस 26, ठीक है आपके पास में, तो कह रहा 3 साल बाद, प्रश्न के अनुसार 3 साल, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 साल बाद रोहन 3 साल ज्यादा हो जाएगा, रोहन, रोहन की जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 साल बाद, 3 साल बाद उसकी वर्तमान से 3 साल बढ़ा दी गई, अब बढ़ जाएगी, और मां की जो आयु हो जाएगी उसकी भी 3 साल बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब x प्लस 29 हो जाएगी बेटा। अब इनका जो गुणनफल है आपके पास में, रोहन की मां का 3 साल बाद जो गुणनफल है आपके पास में, प्रश्न के अनुसार x प्लस 3, x प्लस 29 का गुणनफल कितना है, 360 का है, तो x का x के साथ हुआ, x स्क्वायर x का 29 के साथ हुआ, 29x, 3 का इसके साथ हुआ 3x, फिर उसके साथ हुआ इसके साथ 3, 9, 27, 3, 2, 9, 6, 3, 9, 27 के साथ 3, 2, 9, 6, 1, 2, 8 प्लस, आप 360 को इधर लेके आइए बराबर का 0, ये दोनों संख्याओं को ध्यान देके x स्क्वायर प्लस 29 और ये 32x, ये हो जाए 27, इसको घटा देंगे, 10 में से 7 गया 3, उसके बाद आप देखिए 10 में से 7 गया, यहां 10 में से 7 जाएगा, आपके पास 3 बचेगा, ये 5 बचा, 15 में से आपके पास में, 15 में से आपके पास में कितना जाएगा आपके पास में, देखिए 15 में से 8 गया, 7 बचा, उसके बाद बचा 2,
273 वैल्यू बचेगी आपके पास में, ठीक है। अब इसका 273 का गुणनफल करिए, 273 का गुणनखंड करिए, ठीक है। तीन से डिवाइड करिए 9, 1, फिर तीन से डिवाइड करेंगे आपके पास में, तीन से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, 13 से डिवाइड होगा, ठीक है, 7, ये हो गया आपके पास में। तो इस तरीके से हमारे पास में वैल्यू बन गई आपके पास में ये 3। अब इन तीनों का कंबाइन करिए, आप तीनों का कंबाइन करेंगे कि 32 मिलना चाहिए, देखिए आपके पास तब 32, 13 39, 39 में से 7 गया कितना हुआ 32, 39 में से 7 गया 32, 39 में से 39x माइनस 7x 32 मिलेगा बराबर 0, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा आपके पास, फटाफट देखिए करते जाइए। तो 39 में से 7 गया 32, अगर आप इसको कैलकुलेट करें यहां से x कॉमन ले लें, तो x कॉमन लिया तो x प्लस 39 बेटा माइनस का 7 कॉमन लिया, तो अंदर फिर से बनेगा x प्लस 39 बराबर 0, जैसे माइनस बाहर आता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। तो क्या मिला, x प्लस 39 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा x माइनस 7, x एक वैल्यू देखिए, एक वैल्यू आपके पास माइनस का 39 आ रही है और एक वैल्यू आ रही है 7। अब कौन सी वैल्यू, तो रोहन की किसी की देखो, वर्ष जो आयु होती है वो ऋणात्मक तो होती नहीं है, तो ये वैल्यू नहीं ली जाएगी, x ली जाएगी। तो रोहन की जो वर्तमान आयु है, रोहन की आयु जो है वर्तमान आयु, आयु जो है 7 वर्ष होगी, और मां की जो होगी आपके पास, मां की आयु जो होगी 7 साल बढ़ा दीजिए आपके उसमें, ठीक है, 33 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपके पास दोनों का आयु हमको पता चल गया। पॉज द वीडियो, नोट डाउन, फटाफट नोट करिए बेटा। चलिए दोस्तों, ये अगला सवाल हम करते हैं, ठीक है। ये अगला सवाल हमारे पास क्या है देख लीजिए, प्रश्नावली का जो है आपके पास में अंतिम सवाल है ये 4.1 का। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, कितनी दूरी चलती है 480 किलोमीटर की दूरी चलती है समान चाल से, मतलब नॉर्मल चाल से चलती है, अपनी जो उसकी चाल होती है उस चाल से वो तय करती है, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो क्या होगा, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में, उसी दूरी मतलब 480 किलोमीटर की दूरी, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, ये 3 घंटे अधिक लेती, मतलब पूरा समय नहीं दिया गया, 3 घंटे अधिक लेती, चाल को कम कर देंगे तो 3 घंटे अधिक लेगी, मतलब जो पहले चल रही थी दूरी, पहले चाल से जो चल रही थी उससे कुछ समय लग रहा होगा, समान चाल से चल रही थी तो समान समय लग रहा होगा, सामान्य समय से 3 घंटे अधिक लेती है, सामान्य समय से 3 घंटे अधिक लेती है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम, माना ठीक है, गाड़ी की जो चाल है वो कितना है एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आपके पास दूरी क्या है 480 किलोमीटर, तो समान समय अगर इतने दूरी को इतने चाल से चलेगा तो समान समय टी बराबर आपके पास में दूरी बटे चाल होता आपके पास में। आपको चाल का फार्मूला पता होना ही है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय होता है बेटा, तो आपको समय निकालना है तो दूरी बटे आप चाल कर देंगे, ये हो गया आपके पास में, ये सामान्य समय है आपके पास में, इतना घंटा लगता है। लेकिन प्रश्न के अनुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार चाल जो आपके पास में 8 घंटा कम कर दी जाती है, तो 8 घंटा कम कर दी जाती है तो नई चाल मिलेगी 8 घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को कम कर दीजिए, चाल क्या कर दीजिए, इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दीजिए, ठीक है। जब ये कम हो जाएगी तो उसी दूरी को चलने में जो होगा वो समय जो लगेगा वो समय उसी दूरी को चलने में समय दूरी बटे चाल इतना समय लगेगा। ये जो समय है ये सामान्य समय से 3 घंटा ज्यादा, ये ज्यादा है, ये अधिक समय है, किससे अधिक समय है, सामान्य, जब भी आपकी बात होगी सामान्य वाले से बात होगी तो ये समय सामान्य वाले से अधिक है, यानी 480 बटे
x माइनस आठ जो है ये किससे अधिक है, सामान्य वाले से अधिक है, 480/x, इससे अधिक है तो जिससे अधिक है उसमें ऐड कर दीजिए। हमने इसको किया इधर 480/x-8 माइनस 480/x/3 आपके पास में, आप कॉमन ले लीजिए, इसको कॉमन लेंगे आप क्या मिलेगा आपके पास में 480 कॉमन ले लीजिए बेटा, अंदर क्या बचा x-8 1/8 = 3, 3 से इधर आकर के डिवाइड होगा 160 मिलेगा, तो 160 मिला बेटा 160, अंदर क्या बचा आप लासा लेंगे x-8, लासा लिया आपने x-8, लासा आपने लासा लिया एक्स माइनस को हटा देता हूं, मैं इसे हटा देता हूं, ठीक है इसे आपके पास क्या हुआ आपके पास में लासा लिया आपने एक्स माइनस साठ और एक्स, ठीक है ये 160 बाहर है आपके पास में इक्वल टू का एक। अब यहां पास क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे एक्स माइनस एट का डिवाइड करेंगे तो आपको एक्स बचेगा, ठीक है x का डिवाइड करेंगे आप यहाँ पर x का डिवाइड करेंगे तो x माइनस का 8 बचेगा, ठीक है चलिए 108 ये जाएगा मन अंदर की तरफ तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस कर देगा और x x का टर्म हो जाएगा 8 बचेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x = 0, ठीक है आपके पास में देख रहे 16 + 128 1280 उधर क्रॉस कर दीजिए, ठीक है 1200 उसको उधर लेके जाइए आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस का 8x = 0। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड करिए क्या मिलेगा आपके पास में, ठीक है 2 6 4 2 3 2 2 16 0 2 80 2 40 2 20 2 10 उसके बाद में 2 5। ऐसा क्या करेंगे हमें 8 मिलना चाहिए आपके पास में समझिएगा, ठीक है ऐसा क्या करें हमें 8 मिलना चाहिए समझिएगा, ये 32 2 × 4 4 × 8 8 × 16 16 × 32 ये क्या 8 × 40 यानी 32 में को आप क्या कर दीजिए, ठीक है माइनस 40 40 में से 32 घटा दीजिए, 40 में से 32 घटा देंगे बराबर 0, ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस 40x + 32x = 1280 ये मिल जाएगा बेटा। तो आप इसमें से क्या करिए, ये गुणनखंड हटा दे रहा हूं मैं, यहां से x कॉमन ले लीजिए, यहां से भी आप कुछ कॉमन लीजिए, x कॉमन ले तो अंदर क्या मजा x-40 यहां से 32 कॉमन ले लेंगे तो x-40 बचेगा आपके पास में, ठीक है अब आपने x-40 का मान लिया, क्या बच गया x + 32 = 0 तो x की वैल्यू आई 40 और x की वैल्यू आई -32, ऋणात्मक साइन नहीं हो सकती यानी चाल किसी की ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो रेलगाड़ी की जो चाल आई रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा बेटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, फटाफट करिए वीडियो को, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को।